एटीएम के एटीएम कौन दिला रहा पहली बात तो 2-2 लाख की मोटरसाइकिल चोरी करके ला रहे हो तुम यार। कंप्लेंट है ये कुछ ना दब जावे। इस वीडियो के अंदर गालियां है तो अपनी ईयरफोन डाल लो। हेलो जी, एक बच्चे और एक एडल्ट के अंदर ना एक डिफरेंस है कि जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हें पता चल जाता है भैया की कहां पे कैसे कितना और कब बोलना है, क्योंकि देखो बच्चों को ये नहीं पता होता। मेरे को गांड मारनी नहीं आता, मार बांधो। पर अफसोस 9 मिलियन सब्सक्राइबर और 24-25 की उम्र में भी एल्विस भाई ये सब नहीं सीख पाए। एल्विस यादव जिसका सिग्नेचर डायलॉग था फूफा बदमाश है, तो पता ही है फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है भाई। शायद अब हम सभी को पता है कि बदमाश फूफा कौन है। फूफा बदमाश है। कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, आर्टिस्ट जब वीडियो बनाता है तो उसको पब्लिकली डाल देता है। एक आर्ट का कोई भी धर्म या मजहब नहीं होता, कोई भी बंदा तुम्हारे आर्ट को या तुम्हारी वीडियोस को इंटरनेट पे देख सकता है। बट अगर कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर या बंदा आपके धर्म के खिलाफ बोल रहा है तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छे सब्सक्राइबर होने के बाद ओपनली अपने रिलीजन को सपोर्ट करते हैं या फिर अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं। और ये इकलौता रीजन है कि मेरे को एल्विस यादव पसंद है। लेकिन देखो भैया, एल्विस भाई है कॉमेडियन जोक बनाते हैं और एल्विस भाई चूतिया। तो तुम पहले तो मेरे को तो एक चीज बता, तू बचपन से चूतिया है या फिर तुम सारे कोर्स कर रखा है? एल्विस भाई जो वीडियो में दूसरे लोगों को चूतिया बोलते हैं और खुद की ऑडियंस का चूतिया काटते हैं। ये मेरा वोटर आईडी, इसके ऊपर देखो महेश्वरी लिखा हुआ। और मैंने थोड़े दिनों पहले ध्रुव आईडी पे वीडियो भी बनाई थी। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके फैंस मेरे को इंडियन हिंदू नहीं बोले। ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा सीरियस है और उन लोगों के लिए जो भैया मेरे को कमेंट सेक्शन में भी गाली दे रहे हैं। सबसे पहले सुनो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी एंड गैम्बलिंग है। आर्टिकल पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हूँ, पढ़ ले। मैं खुद अपने चैनल पे फैंटेसी एप्स प्रमोट करता हूँ क्योंकि इन एप्स से गवर्नमेंट 30% तक टैक्स लेती है, तो ये लीगल और लाइसेंस्ड होते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं खुद प्रमोट करता हूँ तो मुझे दिक्कत क्या है? पोर्श का पैसा है, मतलब जो गाड़ी हम ले रहे हैं कि वो नुकरा भाई कहाँ आ रहा पैसा? तो मैं कहा तुझे तो जैसे पता ही ना है भाई अपना। बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो पूरा तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि भाई इतना यहाँ से आ रहा है। बट जो कुछ तो यूट्यूब मनी भी है और कुछ भाई जो कुछ पोर्शन है वो बता दो कहाँ से आ रहा है भाई। कुछ पोर्शन है वो तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ, अपना थोड़ा बहुत कम हो पा रहे हम। मेरी ये बात ऑडियंस से ज्यादा क्रिएटर समझेंगे। जब भी हम कोई ऐप प्रमोट करते तो हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है, हमें वो स्क्रिप्ट परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे 3 करोड़ का सोना जीतोगे बोलना पड़ता है यार। लेकिन अगर हम उस स्क्रिप्ट की जगह अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर दे कि मैंने पोर्श या घर, मैंने इस ऐप की वजह से खरीदा, तो मेरे को लगता है कि ऑडियंस ज्यादा ट्रस्ट कर लेगी, जो कि थोड़ा गलत। वैसे एल्विस भाई ने झूठ भी नहीं बोला, पोर्श आई तो इसी ऐप की वजह से, पर खेल के नहीं बेच के। मैंने कुछ टाइम पहले एल्विस भाई के दोस्त यूके भाई पे एक वीडियो बनाई थी, सोचा नहीं था पर बनानी पड़ी। मैंने एक सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड करी है जिसमें डार्क साइड ऑफ इंडियन ब्लॉगर्स में मैंने बताया कि कैसे मोटो ब्लॉगर्स अपनी लग्जरी कार या बाइक दिखाने के चक्कर में फैंटेसी तो ठीक है बैंड ऐप तक प्रमोट करते हैं। 6 फरवरी 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने 138 ऐप बैन किए थे। गवर्नमेंट जब कोई ऐप बैन करती है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला इलीगल, दूसरा लाइसेंस ना होना, और तीसरा सबसे मेन रीजन कि उन एप्स को चाइनीज ऐप बताया जा रहा था जो डेटा लीक करती है। कुछ चाइनीज ऐप आपका प्राइवेट डेटा और प्राइवेट पिक्चर्स को उठा के आपको ब्लैकमेल करती है, कस्टमर्स के साथ करोड़ों का स्कैम, और ये पैसा एट द एंड जाता है हमारी दुश्मन कंट्री चाइना के पास। अब देखो, अगर नॉर्मली तुम कोई ऐप प्रमोट कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट अगर कोई ऐप बैन कर दे तब तो कोई होगा जो वो ऐप बेचेगा है। 6 फरवरी को ऐप बैन हो चुके थे, लेकिन 25 मंडे। तो यार ये स्टोरीज ध्यान से देखना, बिकॉज़ 360 वेब के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, अब वो www.360web.in पे लॉगिन कर सकते हैं एंड गेम खेल करके पैसा कमा सकते हैं। एल्विस भाई कुछ बोलना चाहोगे यूके को? आज मैं बात करने वाला हूँ के बारे में जो पैसे के चक्कर में अपना जमीर बेच देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, रोस्ट ना पर्सनल ना होना तो देखने में मेरे को खुद मजा आता है कि भाई वो वाले रोस्ट जिनमें पर्सनल ना जाए। जब आपका कंटेंट ही आपकी फैमिली, गर्लफ्रेंड, रिलेशन, प्यार, कार हो, तो फिर मैं आपके पर्सनल लाइफ पे नहीं आपके कंटेंट पे रोस्ट कर रहा था। अरे एल्विस भाई आप ही कुछ बोलो यार यूके को। लाल पीले बाल वाले केटीएम, ये केटीएम कौन दिला रहा पहली बात तो 2-2 लाख की मोटरसाइकिल चोरी करके ला रहे हो क्या तुम यार है? भाई एक तो इनके पास केटीएम होती है और यार इनपे ना एक होती है इनपे बुरी शकल और होती है भाई लड़कियां, इन पे लड़कियां भी आ जाती नहीं पता का। और ना इनका एक ऐसा ग्रुप है, ये क्या करते हैं आपस में ना सबको फॉलो करते हैं, आपने जितने भी छपरी देखे होंगे ना ये आपस में ना एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जिस इन्फ्लुएंसर के कहने पे उसकी ऑडियंस उसके गानों के नीचे 1 मिलियन कमेंट कर देती है, सोचो कि उसके कहने पे कितने लोगों ने बैंड ऐप खरीदा होगा। खैर एल्विस का मेन चैनल स्केच
कॉमेडी का है लेकिन मजा ले आज तक एक बार हंसा दिया हो यार। एलिविज भाई से एक जोक नहीं लिखा जाता लेकिन एलिविज भाई दूसरे कॉमेडियंस की रोस्ट करके उनकी फाड़ दे। तो ये एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन बन के आया, इसको लगता था कि जोक मार मार के पब्लिक को हंसाएगा और वैसे इसकी शक्ल फनी है, दो चार बाल उग रखे हैं यहाँ पे, उसको देख के थोड़ी बहुत लोगों को हंसी आ जाती है बट मेजोरिटी लोगों को नहीं आती। उन्होंने एक छोटी चीज इसको बोली कि गंजेज है जोक कहते हैं क्या है, हमें यार हंसी तेरे से बढ़िया हम उसको ना देख ले, क्या कहते हैं उसका खाली स्क्रीन, साढ़े खाली स्क्रीन देख के तेरे जोक और ज्यादा हंसी आ जाएगी। एलविस भाई आपके कॉमेडी और पंचलाइन देखने के बाद ना मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भाई तू पैदा क्यों हुआ? चलो पैदा हो गया कोई बात नहीं, गलती होती रहती है माँ बाप से, तू भी हो गया, पर पैदा होके तू भाई कॉमेडियन क्यों बना यार? फिर ऐसे ही एलविस भाई ने पास्ट में समीर मार्क को भी रोस्ट किया था। अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, आपको ऐसा लगेगा किसी गधे की मेकअप कर दिया हो, तो भाई इसे देखो आप। एक मर्तबा फिर मुझे रोस्ट में कोई लॉजिक या रीजन वो भी छोड़ो, थोड़ा फनी तो हो, नहीं बस क्लिप उठाई गालियां दी। और गेस व्हाट, अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो वीडियोस में और वो बंदा अगर इंस्टाग्राम पे तुम्हें गाली दे दे तो फिर मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूं उसकी ना, मान दो। एलविस भाई किसी को भी गाली दे सकते हैं लेकिन भाई समीर ने जब उनको गाली दे दी तो ऑडियंस का यूज करके मास रिपोर्टिंग, मां की गाली बुलिंग करना। अभी जो हम रील देख रहे थे भाई उसमें ना एक छोरी ने ट्रांजिशन छोड़ दिया, ट्रांजिशन करी छोरी ने, कपड़े पहन रखे थे ट्रांजिशन करके कपड़े उतार दिए, मेरे मैं कर रहा हूं कोई सारे बस्ते डोल रहे हैं, सॉरी गाइस गलती हो गई। उसने कपड़े वापस पहन लिए भाई, दिखाइयो मत ही दिखा छोड़ फेमस हो जाए, ये मत दिखाएगा भाई। अजित तो क्यों डर रहा है यार, आज मैं होगा फोटो कैसे डर रहा है यार, तू ज्यादा कोई कुछ कह रहा है क्या? ओहो कोई ना, अभी भी देख ले उसी की देख रहा, खुश हो गया देख ले, हां दिखाने अरे काम आ गए, ओए वाली दिखा दे एक बार, जो तू देख रहा था मां के सब, एक बार दिखा देना भाई ना, एक बार दिखा दे, बदनामी दे, अरे बदनामी क्या है इसमें भाई, उसने भी तो पब्लिक उस पर डाल रखी है, हमने पब्लिक उस पर डाल रहे हैं, दिखाने एक बार, तुझे पता है तेरा करियर शुरू हो, अरे रुक जा चुप रह, दिखा एक बार तेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, अरे दिखा मैंने आपको भेज रहा हूं भाई, भेजे मत ना, ओ ये बात होगी, चल भाई भाईचारा खत्म कर दे छोरी पीछे, ठीक है भाई दिखा दे, ओ हां ओ शिट कर दिया तुमने भाई, ये तू पागल हो, ये सब देखते हो तू। एलिविस भाई ने अपनी स्टोरी के अंदर एक लड़की के ऊपर कमेंट पास किया, मैंने उस लड़की का पूरा अकाउंट देखा और ट्रस्ट मी वो सिर्फ वैसा कंटेंट नहीं बनाती, अब जस्ट बिकॉज कि उसका अकाउंट पब्लिक है तुम उसकी वीडियोस को अपनी स्टोरी पे डाल के ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं कर सकते, सारे बच्चे डोल रहे हैं। फिर श्रेया ने इसके खिलाफ ट्वीट भी किया था जिसके ऊपर एलिविस के ऑडियंस ने उन्हें ही मोरल सिखाए और गालियां दी। इस टाइप की जो टॉक्सिक ऑडियंस है भैया मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, चलो एक गेम खेलते हैं, टिंडर पे आके जेन्युइन बंदा और असली प्यार ढूंढने वाले लोग, होम गर्ल्स पे लोल लमाओ फैनी वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स, नाक में उंगली डाल के सिंदूर खाने वाले लोग, फिर पब्लिकली एक लड़की के ऊपर कमेंट करने वाले एलविस भाई ने फेक फेमिनिज्म पे एक वीडियो भी बनाई थी। फेमिनिज्म का मतलब है लड़कियों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो लड़कों को मिलते हैं, और ये बिल्कुल सही बात भी है भाई, लड़का लड़की सब बराबर है क्योंकि ये सब होने से पहले हम एक इंसान है, सारे बच्चे डोल रहे हैं। इस वीडियो के अंदर कुशा कपिला और कई लड़कियां अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि कैसे डार्क शेड लिपस्टिक लगाने पे लोग उनके ऊपर कमेंट करते हैं, कैसे लड़के उनको घूरते हैं जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। तुम इतना घूरता काहे को रे, ऐसा ऐसा करके आंखा बनाकर Why do you stare? देखो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से इस मैडम की कि लड़के लड़कियों को घूरते हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, पर लड़कियां भी घूरती हैं लड़कों को तो ये चीज भी एड्रेस करनी चाहिए, और अगली बार कोई भाई ऐसी वीडियो बनाओ ना तुम तो उसमें इस बात को जरूर उठाना कि लड़कियां भी घूरती हैं लड़कों को और वो भी गलत बात है। पर मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि इसको किसी ने घूर दिया यार। Why do you think it's okay to say थोड़ा एक दो किलो गेन हो गया ना? They are my kilos. You cannot comment on that. अब आते हैं इस मैडम के पॉइंट पे कि these are my kilos, मैं बड़ू घटू तुम्हें क्या है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि रोड पे चल रही है और किसी दूर से आदमी ने रुक्का मार दिया, ओए मैडम तेरे दो किलो बढ़ गए। एलविस भाई साथ सच में होता है, और रियल लाइफ तो छोड़ो कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो इंटरनेट पे भी करते हैं, सारे बच्चे डोल रहे हैं। आयरनी ये थी कि जिस वीडियो के अंदर एलविस फेमिनिज्म और इक्वालिटी की बात कर रहा है उस वीडियो के बाद एलविस की ऑडियंस ने उन फीमेल इन्फ्लुएंसर्स पे बहुत अच्छे कॉमेंट किए। Let's play.
ये इस वीडियो का सबसे जरूरी सेगमेंट है। आज से 2 साल पहले हाथरस में एक लड़की का 4 लड़कों ने गैंग किया और उसको मार दिया। उसके बाद कई सारे पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और जस्टिस मांगा। लेकिन मैं इसके बारे में आज बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 2 साल बाद अभी 7 दिन पहले उस चीज का फैसला आया है। मुझे सच बताओ कि कितने लोगों को पता है और कितने इन्फ्लुएंसर ने इसके बारे में बात की। और शर्म की बात तो जो फैसला आया है वो है। हाथरस में दलित युवती की गैंगरेप और हत्या के मामले में गुरुवार को हाथरस के एक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई, वहीं बाकी 3 आरोपियों को बरी कर। पीड़ित परिवार फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। पर मैं सच बताऊं, ऐसे कितने ही केसेस या हैरेसमेंट के केसेस दब जाते हैं। कभी किसी लड़के का बैकग्राउंड पॉलिटिकल निकलता है या कहीं प्रशासन घुस खा लेती है। ऐसे में जस्ट इमेजिन कि कोई तुम्हारी बहन है जिसके स्कूल या कॉलेज में उसको एक लड़का छेड़ता है या बार बार परेशान करता है। मेंटली हैरेस होने के बाद तुम्हारी बहन पुलिस में जाके कंप्लेन करती है और वो सोचती है कि अगले दिन शायद वो लड़का उसको परेशान नहीं करे, पर अगले दिन वो लड़का उसे फिर से परेशान करता है और बोलता है कि ऐसी तो कितनी कंप्लेंट है मेरे नाम पे, ये सब तो दब जाती है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि दीप क्या बोल रहा है। अब सौरभ भास्कर ने मेरे पे केस कर दिया था, पाप उस पे आ गया था जी न्यूज़ पे कि सौरभ भास्कर ने यूट्यूबर को ये कर दिया। फिर पापा का फोन आया मेरे पास, कह रहा पलट पा जा। मैं पापा के पास गया, उन्होंने कह रहा क्या आई हो, सौरभ भास्कर का वो खोल रखा आर्टिकल। मैंने कहा तो कंप्लेंट है, कह रहा FIR है। मैंने कहा कंप्लेंट है, कह रहा हमें ना पता कंप्लेंट है FIR में क्या। मैं कहा इतनी कंप्लेंट पड़ी है, फिर बोल रहा मैं कहा कंप्लेंट है ये, कुछ ना दब जावे। कंप्लेंट झूठी है या फेक है? नहीं, कंप्लेंट दब जाती है। मैं कहा कंप्लेंट है ये, कुछ ना दब जावे। अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे भारत का युवा कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाने के बाद हंस रहा है। मैं कहा कंप्लेंट है ये, कुछ ना दब जावे। कह रहा आईविश की जो ऑडियंस ऐसे में भी उनको सपोर्ट करती है, आईविश तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। चलो फिर से खेलते हैं। अपनी ऑडियंस का काटने के बाद लोअर सिस्टम की मार बात एल्विस भाई, अपनी उंगली से अपनी गेंद खुजाल के सुनने के बाद अब आता है इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट। पर यार मैंने इन ब्लॉगर्स की जो डार्क साइड्स हैं वो अपने सेकंड चैनल के फर्स्ट वीडियो में बताई है, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर ऑन अ सीरियस नोट, ये वीडियो हेट नहीं क्रिटिसिज्म है। इसमें से कई सारी क्लिप्स हो सकता है कि कुछ साल पुरानी हो, तो हम लोग अभी एल्विस को जज नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी लड़की को पब्लिकली ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करना या अपनी ऑडियंस का मिसयूज करना या फिर अपने लॉस और सिस्टम का मजाक उड़ाने के पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। और अगर तुम्हें इन ब्लॉगर के डार्क साइड्स देखने हैं तो मैंने एक सेकंड चैनल पे वीडियो डाली है जो ये आ रही है, इस पर क्लिक करो और देखो। बाय।